जब आपके आसपास अक्सर, क्योंकि ये भी देखा गया है स्टडी में, ये भी सामने आया कि घर में इस तरह की चीजें हुई हैं, कई बार जिम में भी हुई है, बाहर भी हुई है, लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन खड़ी हो जाती है कि जो परिवार के सदस्य हैं कई बार वो समझ नहीं पाते कि क्या करें, तो परिवार के सदस्यों को यहाँ पर सबसे पहला क्या कदम उठाना चाहिए जब वो ये समझ पा रहे हैं कि जो हमारे परिजन हैं उनको तकलीफ हो रही है, या वो ये समझ जा रहे हैं कि शायद ये हार्ट अटैक हो सकता है, तो सबसे पहला कदम क्या उठाएं और उसके बाद किस तरह से वो आगे बढ़े? देखिए, जो दो इसके इसके इस प्रॉब्लम के दो पहलू हैं। एक पहलू है कि आपको समझना कि हार्ट अटैक आ रहा है नहीं आ रहा, ये एक चीज है। और दूसरी चीज है कि अगर उसको हार्ट अटैक के चलते कार्डियक अरेस्ट हो जाए, तो अगर हम पहली चीज की पहले बात करते हैं कि समझना है कि आपको हार्ट अटैक है या नहीं है, अगर आपको पहले ये समझना है कि हार्ट अटैक है या नहीं है, उसके लिए अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबको मालूम होना हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं, इसको कैसे हम लोग डायग्नोज करते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, छाती में दर्द, गले में घुटन, कभी कभी गैस होना, पसीने आना, एकाएक सांस फूलना, इन चीजों को समझना, और उसके बाद तुरंत ही अपने नजदीकी अस्पताल में जाके अपना एक ECG करा के डायग्नोसिस बनाना। देखिए, मैं अपने सारे मरीजों को यही कहता हूँ कि आप सबको, आप इरिस्पेक्टिव आप कहाँ पर रहते हैं, आप सबको अपने आसपास एक ऐसा अस्पताल, एक ऐसा क्लिनिक होना चाहिए, उनके साथ टच में बना के रखिए कि अगर कभी कोई इमरजेंसी आ गई, चाहे मैं घर पे हूं चाहे मैं काम पे हूं, मैं कहां जाऊंगा। एक ऐसी इमरजेंसी फैसिलिटी सबके पास अपने दिमाग में होनी चाहिए। तो आप वहां जाइए, अपना ECG कराइए। कभी कभी क्या होता है, जो पेशेंट है, जब उसको हार्ट अटैक होता है उसके चलते उसको कार्डिक अरेस्ट होता है, जैसे कि आपने बताया कि जो जिम में है, डांस करते करते, ये सब जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं वीडियोज, ये कार्डिक अरेस्ट के वीडियोज हैं। और कार्डिक अरेस्ट एक अलग पहलू है हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक से कार्डिक अरेस्ट हो सकता है, और कार्डिक अरेस्ट वो होता है जब आपका हार्ट एकाएक काम करना बंद कर देता है। तो हार्ट अटैक से कार्डिक अरेस्ट हो सकता है, लेकिन कार्डिक अरेस्ट के और भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो अगर कार्डिक अरेस्ट हो जाए, आदमी एकदम बेहोश हो जाए, देन उसको CPR की जरूरत है। वो जो फैमिली मेंबर आसपास होगा उसको CPR की जरूरत है, जिसमें हम चेस्ट में कंप्रेशन करते हैं, जी ब्रीदिंग देते हैं, और वो पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं।